जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपी पीएससी आरओआरओ या जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट पीएससी का हो, वन डे एग्ज़ाम्स हो, एसएससी का हो, सीजीएल कोई सा भी हो, ठीक है, बैंकिंग का हो, जहां पर भी जीएस पूछा जाएगा, ठीक है, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसको लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ मैं, करंट अफेयर्स से न्यूज़ भी उस पर शेयर करता रहता हूँ, ठीक है, पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ सब, ठीक। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसका चौथा पार्ट है, ये सामान्य भूगोल का सार वाला वीडियो है ये, ठीक है। घटनाचक्र जीएस दृष्टि का ये जो है पूरी ये बुक है ये बेसिकली, ठीक, उसी से मैं इसको पूरा करवा रहा हूँ। चौथा पार्ट है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, एक कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसके पहले वाला अगर नहीं देखा है तो देखिए, उसको बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। प्रमुख नदियों का जो है घाटी क्षेत्र या प्रमुख नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उनमें से हमने बहुत सारी नदियों को पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, ठीक है, शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट जो इस वीडियो में है वो ब्रह्मपुत्र नदी से शुरुआत करते हैं। बहुत पूछता है प्रश्न, ठीक है, इसका जो उद्गम है वो यांग्सी या अंगसी, ठीक है, पश्चिमी जो तिब्बत है वहाँ से निकलता है, ठीक है। हिमालय के समानांतर ये पूर्व की ओर बहती है ये। इसके अन्य नाम क्या है, तो सांगपो तिब्बत में बोला जाता है, दिहिंग जो है अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र असम में बोलते हैं इसको, और जमुना, जब ये जमुना बांग्लादेश में प्रवेश करती है वहाँ पर जब इंटर करती है तो इसको क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उन नदियों के नाम याद रखिएगा। सहायक नदियों के नाम पूछता है, एक वन लाइनर में भी पूछ सकता है और आपको कुछ ऑप्शन देकर भी पूछ सकता है। तो देखिए, इसमें तीस्ता हो गई, कामेंग हो गई, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया बरेली, संकोस और लोहित, ये सब क्या हैं, ये सब सहायक नदियां हैं इसकी, ठीक है, याद रखिएगा। लोहित के बारे में देखिए, ये जयालचू पर्वत श्रेणी पूर्वी तिब्बत से निकलता है, तिब्बत, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तथा आसाम से होते हुए इसका अपवाह क्षेत्र जो है। सुबनसिरी देखो, ये तिब्बती पठार से ये भी निकलती है, सुबनसिरी असम, अरुणाचल और तिब्बत, ठीक है, ये यहाँ से इसका अपवाह क्षेत्र है। बराक नदी के बारे में याद रखिए, बराक नदी का उद्गम कहाँ है, तो ये मणिपुर पहाड़ी पर। अपवाह क्षेत्र इसका क्या है, तो ये मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। मिजोरम, असम, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब जगह से होते हुए ये जो है अपवाह क्षेत्र इसका है, ठीक है। महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट याद रखिएगा, देखिए, असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है, यही है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, हर साल बाढ़ आती है वहाँ पे, ठीक, लेकिन पता नहीं क्या है, प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल ना होना, सही तरीके से प्लानिंग ना हो पाना, या भगवान जाने किस तरीके से है, हर साल वहाँ पे बाढ़ आता है, लाखों हजारों जान माल का नुकसान होता है, आदमी भी मरते हैं और नुकसान भी होता है, ठीक है, आर्थिक नुकसान, शारीरिक, मानसिक, सभी तरह, लेकिन उस पर बहुत कुछ अभी तक ठोस उपाय नहीं हो पाया है उसका। तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणी के रूप में प्रवाहित होती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, इरावदी और मेकांग नदियाँ, ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों हैं। भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है, तो कौन है जो यू टर्न लेती है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी ही है। भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघी नमन के कारण ऐसा होता है कि आते हुए ऐसे आती है, ऐसे एक जगह ऐसे मुड़ती है, फिर ऐसे आती है, इस तरीके से, ठीक है। अभी तक हमने हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ा है, ठीक है, इसके पीछे वाले जो उसमें वीडियो में, तो उसको भी देख लीजिएगा आप। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, ये तो ज्योग्राफी वाला है, ठीक है, ज्योग्राफी का है ये, भूगोल का। इसके अलावा मैं हिस्ट्री का मैंने करवा रखा है 10-11 वो हैं चैप्टर, ठीक है, वीडियोज़। पॉलिटी का मैंने करा रखा है 2-3, और आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का करा रखा है 2-3, वो कर लीजिए, बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा, चीज़ें रिवाइज करने में आसान हो जाएंगी आपको, और आगे जो भी परीक्षाएं हैं आगामी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें। चलिए अब हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों में दो तरीके की नदियाँ होती हैं, एक तो है कि जैसे ये प्रायद्वीपीय क्या है, ये ऐसे, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये वाला कहलाता है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब इधर से इधर पूरा ये, तो ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये जैसे ये है ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो पश्चिमी घाट कहलाता है, ये पूर्वी घाट कहलाता है, ठीक, इधर इधर आपका जो है इधर अरब सागर है और इधर बे ऑफ बंगाल, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि
दो तरीके से बांट दिया है इसको। एक जो अरब सागर में गिरती हैं नदियाँ, वो वहाँ पे वो ज्वार नदमुख बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और कौन कौन सी हैं? नर्मदा, तापी और माही, ये सब नदियाँ हैं जो कि आपके अरब सागर में गिरती हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी ऐसी है, कौन सी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं जाके, तो ये नर्मदा और तापी हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? देखो, वो लोग जो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। अच्छा, डेल्टा और एस्चुरी क्या है बेसिकली? देखिए, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार, इधर ये पश्चिमी घाट हो गया, इधर पूर्वी घाट हो गया। तो मान लो कोई नदी ऐसे आई, इधर से आई, तो इधर से आई ये छोटी, इसके मान लो ये है, यहाँ पे गिर रही है अरब सागर में। तो यहाँ क्या है कि ये एक तो एस्चुरी बनाने का जो कारण होता है कि ये जो एक तो ये नदियाँ बहुत छोटी होती हैं, इनकी लंबाई इतनी होती नहीं है। दूसरे ये इनके जो धारा जो ये बह रही है उसके नीचे बहुत कठोर चट्टान है ये, ठीक है, कठोर चट्टान है। तो ये अपने साथ जो है वो निक्षेपों को नहीं ले आ पाती हैं और इनकी गतिविधि में होती है। यहाँ आके जो है ये अच्छा, यहाँ पे ये जब गिरती है ना तो ऊंचाई से गिरती हैं। इस यहाँ का जो अरब सागर का ये क्षेत्र जो है वो गहराई भी है यहाँ पे। तो ये जो जो भी निक्षेप ले भी आती हैं वो सब इसी में बह जाता है, तो वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं, वो सिर्फ एस्चुरी का निर्माण कर पाती हैं। ये प्रश्न पूछता है ये, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ, ये मेंस वगैरह में भी हो सकता है कि डेल्टा और एस्चुरी कैसे निर्माण करती हैं वो पूछ ले। अच्छा, जो इधर बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो बड़ी नदियाँ हैं। जैसे अब अगर आप ये सोचिए कि आपके मान लो गंगा नदी है या प्रायद्वीपीय पठारी, तो हम यही बात करते हैं, प्रायद्वीपीय की ही बात करते हैं, जैसे गोदावरी हो गई। तो गोदावरी क्या है कि गोदावरी यहाँ से मान लो इधर से निकल रही है, ठीक है, तो वो काफ़ी लंबाई काफ़ी दूरी से होते हुए आती है और अपने साथ जो निक्षेप है और ये सब चीज़ें लेकर आती है और यहाँ पे गिराती है। तो यहाँ क्या है, इधर का पार्ट बहुत गहरा भी नहीं है तो वो डेल्टा का निर्माण करने लगती हैं, ठीक है, इसी तरीके से। तो ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या हैं? ये सब पश्चिम बंगाल वाली जो बंगाल की खाड़ी में है इधर गिरती हैं, बाकी इधर वाली, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम इसमें से, देखिए नर्मदा, इनसे पूछा जाता है, इनका जो उद्गम स्थल है वो इनकी जो लंबाई है उसमें क्रम के अनुसार पूछ लेता है कि कौन सबसे बाद में आएगा, कौन सबसे पहले आएगा। इनका जो ये है कैचमेंट एरिया है उसके हिसाब से पूछ लेता है, पूछा गया है ये सब प्रश्न, मैं बता रहा हूँ, या फिर इनके जो आयतन, वॉल्यूम, जल ग्रहण क्षमता के आधार पर पूछ लेता है, ठीक है। तो देखते जाइएगा आप, एक एक चीज़ याद रखिएगा। उद्गम ये अमरकंटक चोटी है नर्मदा की, ठीक है, मैकाल पहाड़ी, ये भ्रंस घाटी में बहती है इसलिए पश्चिम दिशा में चली जाती है ये। इसकी जो लंबाई है नर्मदा की वो 1312 किलोमीटर है, ठीक है, 1312। विशेषता क्या है कि मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, बता दिया मैंने। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 98796 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। प्रमुख जलप्रपात ये कौन सा बनाती है नर्मदा? तो ये धुआंधार, कपिलधारा, सहस्रधारा, ये सब इसमें प्रमुख क्या बनते हैं? ये सब प्रमुख जलप्रपात बनते हैं, ठीक है। ताप्ती का देख लीजिए, ताप्ती का उद्गम है बैतूल जिले मुलताई के निकट, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी कह सकते हैं ताप्ती का। लंबाई इसकी 724 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ से सिर्फ इतना किलोमीटर, ठीक है। विशेषता ये ज्वार नदमुख का ये भी निर्माण करती है। अब आते हैं हम गोदावरी के बारे में। गोदावरी में जो है देखो, अपवाह तंत्र ये प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है, मैंने बताया था अभी आपको। इसकी 1465 किलोमीटर ये लंबाई है, इसकी लंबाई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर। उद्गम इसका कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक से, ठीक, याद रखिएगा। गिरती कहाँ है ये? जाके बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बेसिन इसका देखिए, द्रोणी देखिए, द्रोणी इसका ये महाराष्ट्र में 48, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पुदुचेरी, इतने राज्यों से ये होकर बहती है, तो कई राज्यों में जाती है ये, ठीक है, ये याद रखना। तो गोदावरी हो गई। फिर महानदी देखिए, महानदी कहाँ से निकलती है ये देख लीजिए, सिहावा घाटी, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ से। डेल्टा का निर्माण करती है पारादीप के निकट पश्चिम बंगाल में, ठीक। प्रमुख सहायक नदी इसकी शिवनाथ, हसदेव, ईब, ठीक है, ये याद रखना, तेल, ठीक, ये हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका जो अपवाह है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। लंबाई इसकी 851। कृष्णा नदी के बारे में देखिए, कृष्णा नदी के बारे में, उद्गम इसका महाबलेश्वर है, लंबाई 1400 किलोमीटर है, ठीक है, कृष्णा 1400, और नर्मदा जो है वो 1312 किलोमीटर है, ठीक, याद रखिएगा। क्रम पूछता है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, लंबाई वाला पूछता है कि कौन सबसे बड़ी है, कौन सा सबसे छोटी है, क्रम वाइज लगाइए। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी, ये सब इसके क्या हैं? ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं, याद रखिएगा, पूछता है ये।
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसका एक जल विवाद भी चल रहा है, कृष्णा नदी का, कावेरी का, कृष्णा का, इनका सबका चल रहा है। उसमें कौन कौन है? तत्कालीन आंध्र प्रदेश, अभी तो वर्तमान में तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, ये राज्यों के मध्य 1957 से चल ही रहा है। ये कावेरी के बारे में देखिए, लंबाई 800 किलोमीटर है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 81,155 वर्ग किलोमीटर, मुहाना पम्पहार के निकट बंगाल की खाड़ी में अपवाह क्षेत्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी। विशेष तथ्य जानिए, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है कावेरी, तीन द्वीप बनाती है, कौन कौन से देखिए, श्रीरंगपट्टनम द्वीप, शिव समुद्रम और श्रीरंग द्वीप, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, काबिनी, अमरावती, काबिनी, हेमवती या हेमावती, काबिनी, ये सब भवानी, ठीक है। जलप्रपात एक तो शिव समुद्रम, आयतन के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये, ठीक, तो याद रखिएगा। अन्य प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे संकोच नदी, उद्गम इसका कहाँ है, उत्तरी भूटान में है, ठीक है। सीमा निर्धारण ये पश्चिम बंगाल और असम के बीच में ये संकोच नदी जो है सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा, तो ये शायद पूछा भी गया प्रश्न है ये, तो याद रखिएगा, ये कौन सी नदी है जो पश्चिम बंगाल और इसके बीच में, असम के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, मतलब, तो ये संकोच नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये, ठीक। इसके अलावा काली नदी देखिए, पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित, उत्तरी कन्नड़ जिले में डिग्गी गाँव से, मुहाना इसका अरब सागर में है, लंबाई इसकी 184 किलोमीटर ही है। माही नदी देखिए, माही नदी जो है ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, याद रखिएगा, दो बार माही नदी जो है वो कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, मीठी नदी देखिए, ये विहार झील, इसका उद्गम मुंबई से है, मीठी नदी ये 18 किलोमीटर लंबी है, मुहाना ये अरब सागर में जाके माहिम क्रीक के पास गिरती है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लीजिए, गंगा संयुक्त रूप से भागीरथी और अलकनंदा नदी का ये संयुक्त रूप है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है? और एक प्रश्न बताइएगा कि दक्षिण गंगा के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, कौन सी नदी प्रसिद्ध है? दो फैक्ट हैं, याद रखिएगा, दोनों को अलग अलग बताइएगा, देखते हैं कौन बता पाता है, जो बताएगा उसको पिंड करके कमेंट उसका पिंड कर देंगे, ठीक है। गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है कहाँ, हरिद्वार से। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है कहाँ पे, तो हुगली और मेघना नदियों के मध्य बनता है, ठीक है। प्रायद्वीपी भारत का मुख्य जल जो विभाजक है वो कौन सा है, पश्चिमी घाट है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा है, यानी कि उस तरफ नर्मदा है। अगर इधर की पूर्वी घाट की या टोटली पूछे कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी है, ठीक। नर्मदा घाटी नदी स्थित है विंध्य में, उत्तर में, सतपुड़ा इसके बीच में है ये बेसिकली, ठीक है। विंध्य जो है उत्तर में है और सतपुड़ा जो है वो दक्षिण पर्वत श्रृंखला माला के, उसके दोनों के मध्य में है, ठीक। बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृत गंगा अभी जो मैंने प्रश्न पूछा आपसे इसमें दिया हुआ है, दक्षिण गंगा और वृत गंगा के नाम से गोदावरी है, तो अब आप दक्षिण की गंगा को बहुत आसानी से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो मैंने कई बार बताया है ये चीज़। मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान किया जाता है, कहाँ से, तो शिव समुद्रम से ही, ठीक है। ये जलप्रपात भी है, यहाँ से इसको दिया जाता है, ठीक। चंबल नदी के बारे में देख लीजिए, कपिली या कोपली नदी, ये मेघालय पठार से निकलती है और ये किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की, मीठी बता ही दिया मैंने। चंबल का याद रखिएगा उद्गम, ये डॉक्टर अम्बेडकर नगर के से ये मध्य प्रदेश के पास से निकलती है। तटीय स्थल ये सवाई माधोपुर, धौलपुर आदि, ये सब, ठीक है। संगम इसका इटावा के पास, यमुना नदी इटावा, ठीक है। सहायक इसकी कौन कौन सी, बनास, पार्वती, काली, काली सिंध, छिप्रा, ये सब किसकी हैं, ये चंबल की, छिप्रा, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। चलिए नेक्स्ट हम देखें, भारत की प्रमुख नदियाँ तो वही हैं नदियाँ जो सारी बताई हमने, ठीक है। तीन जैसे प्रमुख तीन जल नदियों के प्रवाह है, एक तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, उसके उसकी हो गई ट्रिब्यूटरीज, एक हो गई गंगा की ट्रिब्यूटरीज, एक हो गई सिंधु की ट्रिब्यूटरीज, और जो इधर आपकी प्रायद्वीपी भारत में हैं नदियाँ, ये सब देखो, ये सब प्रायद्वीपी भारत वाली हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये सब दी हुई हैं, इधर इनकी लोकेशन देख लीजिए, क्या पता कि किस तरीके से पूछ ले प्रश्न, एक बार लोकेशन देख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी मैंने बताया गोदावरी, प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा, और तीसरी की बात करें तो नर्मदा। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से, नासिक जिले से। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी, ये कर्नाटक से। ताप्ती नदी बहती है रिफ्ट वैली में। अहमदाबाद स्थित साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। रेगिस्तान की गंगा कहलाती है, कौन सी? लूनी। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काट दिया, मैं बताया था ना अभी। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुझा या पोनानी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा है, मेघना, ब्रह्मपुत्र। बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है तो कौन? कोसी नदी। इसके पहले वाले वीडियोज़ में मैंने बताया था। त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत क्या है? तो गंडक नदी है। त्रिवेणी नहर का जल स्रोत कौन है? गंडक नदी, याद रखिएगा। राजस्थान कोटा के निकट गार्ज का निर्माण करती है तो चंबल। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो काली नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होती है कौन सी? बेतवा नदी। बंगाल डेल्टा का एक उपभाग है मोरीबंद डेल्टा, ये प्रश्न पूछा गया है, ये 2018 या 19 में या 20 में कहीं पूछा गया है, ये PCS में, UPPCS में। बिहार राज्य में गंगा किनारे जो स्थित जिले हैं कितने हैं? तो 12 हैं। ठीक है, चलिए और परीक्षा उपयोगी तथ्य देखिए। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है, कौन बनाती है? तो सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह तंत्र क्या है? वो वृक्षनुमा है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनका जो अपवाह है वो वृक्षनुमा है। ठीक है, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो पंबार, भवानी, कबानी, ये सब क्या हैं? पूर्वी, पूरब की ओर। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार। ठीक है, पेरियार नदी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी का है। गहरी खड्ड भूमि के कारण विख्यात नदी घाटी कौन सी है? तो खड्ड भूमि वाली जो ये चंबल नदी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, देख लीजिए इसमें। तो तटीय नगर, अब देखिए जैसे भागीरथी नदी है तो तटीय शहर इसके पास कौन सा है? तो उत्तरकाशी है। ठीक है, इधर भागीरथी तथा अलकनंदा नदी के संगम पर तटीय शहर है देवप्रयाग। ठीक है, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? हरिद्वार है, फतेहपुर है, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ये सब गंगा है। संगम यहाँ पे होता है प्रयागराज में। ठीक है, गंगा और यमुना दोनों के उस पे संगम पर बसा हुआ है। ठीक, यमुना नदी में दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, इटावा हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कृष्णा नदी में देखिए प्रमुख तटीय शहर कौन सा? विजयवाड़ा। सहायक इसकी जो है मूसी है, मूसी में ये हैदराबाद है जो कि इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक, बहुत पूछता है। सतलुज नदी, ये लुधियाना और फिरोजपुर दोनों ये सतलुज के इस पे हैं किनारे पे। ठीक, नदी और स्थित प्रमुख नगर देखो, ब्रह्मपुत्र ये डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, कृष्णा विजयवाड़ा सांगली, गोदावरी ये नासिक नांदेड़ राजा महेंद्रवरम, महानदी कटक संबलपुर, मंदाकिनी रामबाड़ा गौरीकुंड गुप्त काशी, मूसी हैदराबाद, मांडवी पणजी, हुगली कोलकाता, बेतवा सांची विदिशा, हिंडन जो है वो गाजियाबाद। ठीक, कावेरी जो है वो तिरुचिरापल्ली, ईरोड, तंजावुर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूरू, ये सब कावेरी। नर्मदा जो है वो नर्मदापुरम, जबलपुर, ये सब है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अध्यारोपित नदी का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? चंबल है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अध्यारोपित जो ये है नदी का प्रमुख उदाहरण कौन सी है? चंबल। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है तो दामोदर नदी, बहुत गद्दी हो गई, बहुत ज़्यादा। झेलम नदी पाकिस्तान में झांग के निकट मिल जाती है, किसमें? चिनाब से। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से देखिए, वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठे जल पर निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है तो लूनी नदी है। ठीक है, लूनी नदी। त्रिवेणी नहर का जल स्रोत अभी हमने बताया था गंडक नदी। ठीक है, संथाल परगना का दुमका जिला हिजला मेला आयोजित होता है, दुमका का हिजला मेला, तो मयूराक्षी नदी तट पर। ठीक, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, क्या पता पूछ ही ले। जलप्रपात के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जलप्रपात तो देखिए ये सब पूछा भी जाता है, मैचिंग में आता है। ठीक है, मैचिंग में आता है। चुलिया जलप्रपात ये किस पे है? चंबल पे है, राजस्थान में। राहतगढ़ या भालकुंड बीना नदी, लोध ये बूढ़ा नदी इस पे झारखंड, अमृतधारा हसदेव नदी छत्तीसगढ़, धुआंधार या दूधधारा कपिलधारा ये सब नर्मदा पे हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, डुडुमा मचकुंड उड़ीसा,
याद रखिएगा, गोकक घाट प्रवाह और कर्नाटक ये है, हुंडरू जो है वो सुवर्णरेखा झारखंड में, दूधसागर मांडवी गोवा में, गौतम धारा ये राडू नदी, राडू झारखंड, गौतम धारा ठीक। ये देखिए यहाँ पे जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कौन कौन से हैं, जोग है, सरावती, कुंचिकल, वराही और शिव समुद्रम जो है वो कावेरी ठीक है। जलप्रपात नदी राज्य यहाँ भी वही है, भावलाई वजराई ये उर्मोदी नदी महाराष्ट्र, दसम कांची झारखंड में, चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़ ठीक है, ये याद रखें ठीक है। देखिए चौड़ाई इसमें कितनी है, ये विड्थ चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे जो बड़ा जलप्रपात है वो कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो जोग, किसके हिसाब से, ये चौड़ाई की दृष्टि से, वर्ल्ड वाटर फॉल्स डेटाबेस के अनुसार भारत में जलीय आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, शिव समुद्रम वाला, भारत का नियाग्रा चित्रकूट ठीक है। भारत में मांडवी नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, दूधसागर, मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट में ये धुआंधार, कोरापुट उड़ीसा में मचकुंड नदी पर तो ये डुडुमा है, घाट प्रभा पर ये बेलगावी में गोकक है ठीक है। चलिए नेचुरल जो लेक्स हैं, झीलें हैं, उनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ हैं ठीक है। ये देखिए झीलें जो निर्मित होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं, एक तो विवर्तनकी झीलें होती हैं, एक लैगून झीलें होती हैं, वायु निर्मित होती हैं, डेल्टाई होती हैं, हिमानीकृत होती हैं और क्रेटर लेक होती हैं। तो कैसे कैसे हैं देखिए, जैसे जो प्लेट टेक्टोनिक वाली हैं, प्लेट टेक्टोनिक वाली वो धरातल के उठने या धंसने से होती हैं, बनती हैं। प्रमुख उदाहरण जो है वो वुलर झील है जो कश्मीर की, वो विवर्तनकी है। लैगून झील होती है वो निर्माण समुद्री जल का जो कुछ भाग है वो प्रवाल भित्ति या चट्टान के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है, उसको लैगून झील बोलते हैं। चिल्का जो है वो सबसे बड़ी लैगून झील है अपने यहाँ ठीक है। उदाहरण जैसे चिल्का, पुलकट, ये वेम्बनाड, अष्टमुड़ी आदि ठीक। क्रेटर झीलें क्या होती हैं, ये ज्वालामुखी द्वारा बनती हैं और इसका उदाहरण है जैसे लोनार क्रेटर नदी है ये ठीक। हिमानी निर्मित झीलें, ये हिमालय हिमानी के जो अपरदन से है बनती हैं, और नैनीताल, खुरपाताल, रूपकुंड ये सब क्या है, ये सब हिमानीकृत। डेल्टाई झीलें क्या है, ये नदी वितरकाओं के मध्य प्रमुख उदाहरण है। ये कौन सा, कोलेरू जो है ये क्या है, ये डेल्टाई झील है ठीक। वायु निर्मित जो है हवाओं के द्वारा अपरदन से बनती हैं, ये सांभर, डिडियाना, टिडवाना या पंचभद्रा, दून सागर, ये सब क्या हैं, ये सब आपके वायु निर्मित ये हैं झीलें हैं। ऊपर जो दिखाया हमने, जो बताया वो तो सारी एक तरीके से वो सारी ही प्राकृतिक हैं, अब मानव निर्मित भी हैं कुछ कुछ झीलें, जैसे गोविंद वल्लभ पंत सागर वाली है उत्तर प्रदेश की, ये सोनभद्र ज़िले में है, रिहंद बांध पे है ठीक, ये याद रखना। स्टैनले जलाशय तमिलनाडु में है कावेरी नदी पे ठीक है। पेरियार है केरल में, पेरियार नदी पे है। गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में है सतलज नदी पर। राणा प्रताप और जवाहर सागर झील ये राजस्थान के चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। कौन सा, नागार्जुन बांध, तो ये हो गई ठीक है। अब देखो कुछ कुछ और झीलें हैं, जैसे ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं, याद रखिएगा जो RPSC RS वगैरह देते हैं ये इनके लिए, या RAS का जो भी राजस्थान में जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे पुष्कर झील है, ये अजमेर में है, इसकी ये कृत्रिम झील है, निर्माण इसके 12वीं सदी में हुआ था ठीक है, ये याद रखिएगा। कृत्रिम झील है राजसमंद झील, ये राजसमंद में है, ये भी कृत्रिम झील है। नक्की झील जो है वो कहाँ है, सिरोही ज़िले में, नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील यही है नक्की झील। आकृति ये कटोरी नुमा है। अन्य झील इसकी डिंडवाना है, उदय सागर है ठीक। भारत की प्रमुख झीलें देख लीजिए कहाँ कहाँ दी हुई हैं, कैसे कैसे हैं, ये एक बार देख लीजिए इधर, ये सारी बताई गई हैं ये ठीक है। फुलहर ये हो गई ठीक, फुलहर झील ये कहाँ पे है, ये फुलहर झील से ही गोमती नदी निकली हुई है, याद रखिएगा ये फैक्ट ठीक। बाकी ये चंदुबुई, चपनाला, हाफलांग ठीक है। ये पुलिकट में देखिए ये अवस्थिति कहाँ है, कोरोमंडल, खारे पानी की लैगून झील है ये, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा बनाती है, कौन सी, पुलिकट लेक ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की कुछ प्रमुख झीलें। अच्छा ये दो बार हो गया शायद क्या, नहीं अच्छा अदर ये हैं, जैसे ये रूपकुंड झील है,
ठीक है, रहस्यमय झील नाम बोलते हैं इसको, एक प्रकार की ये हिम झील है, यानी ग्लेशियर वाले से निर्मित। ठीक, लोकटक लेक देखिए, विशेष ये इसकी विशेषता है, ये ताजे पानी की है ये। ठीक है, केबुल लामजाओ पार्क यहाँ पे है, फुमडीज़ पाए जाते हैं यहाँ पे, फुमडीज़। ठीक है, ये क्या है, पानी के ऊपर तैरते हुए बड़े बड़े ये घास के एक तरीके से मतलब टापू टाइप के होते हैं। ठीक है, देखिएगा कभी, यहाँ डांसिंग डियर पाया जाता है। पेरियार झील है, विमनाथ झील है, ठीक है, अष्टमुड़ी झील है, ये सारी झीलें केरल में पाई जाती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ये भी देखिए प्रमुख झील है, मतलब अलग अलग उसमें दिया हुआ है थोड़ा सा मैप में। इधर नको झील कन्नौर में है, रेणुका झील ये सिरमौर में, हिमाचल में। ठीक है, इधर देखिए ये चिल्का झील के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, उत्तरी सरकार तट पे है, खारे पानी की झील है, लंबाई इतनी दी है, चौड़ाई इतनी दी है, 5 से 18 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है ये, कौन सी, चिल्का। ठीक है, वेम्बरकम झील, अजीब सा नाम है। ठीक है, चेम्बरकम। ठीक है, उद्गम स्रोत अडयार नदी, जलापूर्ति चेन्नई महासागर को, महानगर को। ठीक, जम्मू और कश्मीर की जो प्रमुख झीलें हैं, तो ये झीलें कहाँ हैं, ये डल झील जैसे ये श्रीनगर में, मीठे पानी की है ये, एक प्रकार की गोखू झील, ये वुलर झील की बात कर रहा है वो, और भारत की विशेष मीठे पानी की झील। ठीक है, चलिए विविध देखिए, किसाऊ डैम ये टोंस नदी पर है, सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये बबली प्रोजेक्ट क्या है, ये गोदावरी नदी पर है, और महाराष्ट्र और तत्कालीन आंध्र प्रदेश यानी अभी जो वर्तमान में तेलंगाना के बीच, ये एक अंतर्राज्यीय विवादित बांध परियोजना है, कौन सी, बबली प्रोजेक्ट। ठीक, और ये किसाऊ डैम टोंस नदी पर। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखिए राजघाट परियोजना क्या है, इसका अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है, बेतवा नदी पर बन रहा है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर। ठीक है, तिलैया बांध क्या है ये, तो ये बराकर नदी पर, ठीक, कोडरमा जिला में है। ठीक है, याद रखिएगा, तपोवन विष्णुगढ़, ये देखिए जल विद्युत परियोजना, ये धौली गंगा से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य में। इधर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, देखिए भारत में सबसे पुराना जो जल विद्युत स्टेशन है सिद्राबाग। ठीक है, भारत के प्रथम जलवायु संबंध की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। महाकाली संधि ये इसमें फरवरी में 1996 में। ठीक है, ये देखते हैं एक मिनट, कल्पसर परियोजना ये खंभात की खाड़ी में, ठीक, याद रखिएगा। जलवायु देखते हैं हम लोग, जलवायु क्या है, यही है जलवायु, जहाँ मौसम का जो दीर्घकालीन मौसम होता है उसी के औसत को जलवायु कहते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, इसमें मानसून आता है पहली बार, मानसून की प्रक्रिया, फिर मानसून का आगमन होता है, अभी जैसे मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं उत्तर भारतीय कि आए आए आए, एकदम गजब की गर्मी पड़ रही, चपक चिपचिपी वाली गर्मी पड़ रही है, एकदम मानसूनी वर्षा होती है, मानसून विच्छेद होता है, उसके कारक किस वजह से मानसून विच्छेद होता है, फिर मानसून निवर्तन आता है, ऋतुएं आती हैं। ठीक है, ऋतुएं आकर फिर भारत में वर्षा ऋतु है और ये शीतकालीन वर्षा ऋतु है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला आगे इसके आगे मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आई होप आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, करिए प्लीज़, बढ़ाइए इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।